मैंने यहाँ 2 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें हम स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमें मीडियम सॉफ्ट आटा लगा लेना है। यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है, तो थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके मैं इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ दूँगी। तो अब हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने 2 कप स्वीट कॉर्न को पिंच हल्दी पाउडर डाल के उसे बॉईल कर लिया है और उसका पानी पूरा ड्रेन करके मैंने कपड़े पे डालकर उसका पानी सुखा लिया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बॉईल स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल करने से स्टफिंग में पानी नहीं छोड़ेगा, नहीं तो कच्चा इस्तेमाल किया तो पानी बहुत छोड़ता है। और उसे दरदरा पीस लिया है मैंने और उसके अंदर 1 मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर रही हूँ। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ का कैप्सिकम, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड करना है, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून और अच्छे से हरा धनिया ऐड किया है मैंने। इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। तो हमारा स्टफिंग भी रेडी हो चुका है। ये स्टफिंग बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब हम पराठे स्टफ़ करेंगे। तो आटे ने भी रेस्ट कर लिया है, हम इसे मसल कर अच्छे से ठीक कर लेंगे और थोड़ा बड़ी साइज़ का पेड़ा लेंगे और सूखे आटे में डस्ट करके हमें इसका बड़ा सा रोटी बेलना है। हम यहाँ पे नॉर्मली जो पराठा स्टफ़ करके बनाते हैं वैसा नहीं बनाएंगे, कुछ अलग टाइप से बनाएंगे। आप नॉर्मल वाला भी राउंड पराठा स्टफ़ करके बना सकते हो, पर यहाँ पे मैं थोड़ा अलग से बना रही हूँ। तो अभी हमें एक बड़ी सी रोटी बेल लेना है। ये पराठा टिफ़िन में भी आप बच्चों को दे सकते हो, यह बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ईजीली और जल्दी से बन जाता है। तो आप इसका थिकनेस देख सकते हो, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है। और अब हम इसके बीच में स्टफिंग रखेंगे जो थोड़ा ट्रायंगल शेप में रहेगा। स्टफिंग थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में रखना है। और अब सोने पे सुहागा यानी कि कॉर्न के स्टफिंग के ऊपर हम चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो ये इतना बढ़िया और इतना टेस्टी लगता है कि बात ही मत पूछो। कॉर्न और चीज़ का कॉम्बिनेशन तो आपको पता ही है कितना बढ़िया लगता है। और पराठे के किनारों पे हमें हल्का हल्का सा पानी लगा लेना है और दोनों साइड से हमें इसे फोल्ड करना है, इसे एक ट्रायंगल शेप देना है और फिर नीचे की तरफ से हमें फोल्ड करना है और हल्के हाथों से स्टफिंग को हमें अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो ये हमारा पराठा स्टफ़ होके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने तवा गरम करके रखा था, उसके ऊपर मैं पराठा डाल रही हूँ और एक साइड से हल्का सा कुक होने के बाद हम इसे पलट देंगे। और मैं यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ पराठा सेकने के लिए, आप चाहे तो घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पराठे को हमें मीडियम फ्लेम पे ही हल्के हाथों से प्रेस करते हुए सेकना है और बीच बीच में इसे फ्लिप करते रहना है। आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का क्रिस्पी होने लगा है और कितना बढ़िया कलर आ गया है। थोड़ा सा फ्लिप करते हुए हमें थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखना है और ऐसे ही हमने बाकी के भी पराठे सेक लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें और एक बार ये पराठे को ज़रूर से ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत डिलीशियस लगते हैं। तो आप इसके ऊपर बटर अप्लाई करें या ऐसे भी खाएं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरी रेसिपीज़ को देखते रहे और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय।